बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार है, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। फिलहाल इस वक्त यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर पर मौजूद है, यानी कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश के चलते पहले से ही यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ था, और ऐसे में हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद यमुना में उफान दिख रहा है, और आज जो है यमुना नदी का जलस्तर वो खतरे के निशान से ऊपर हो चुका है। इस वक्त में अगर बात करें, क्योंकि मैं लोहे वाले पुल पर मौजूद हूँ जहाँ से जो यमुना का डेंजर लेवल है उसको मार्क किया जाता है, जो कि 205.33 मीटर तक खतरे का निशान बताया जा रहा है, और इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है 205.50 मीटर तक वो पहुँच चुका है, और अभी इसके लगातार बढ़ने की ही संभावना है, बढ़ने की ही आशंका जताई गई है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जो अब आज शाम से दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएगा, और उससे पहले जो दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है उसका असर पहले से यमुना में दिख रहा था। लगातार यमुना में जो नाले गिरते हैं वो लगातार उफान पर चल रहे थे, और यमुना में पानी जो है वो लबालब था, और अब हिमाचल और हरियाणा में भी बारिश का दौर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बारिश चल रही है, जिसके चलते जो है वो हथनीकुंड बैराज पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे लगातार रिलीज किया जा रहा है, और वो पानी आज देर शाम से यमुना में पहुंचना शुरू हो चुका है, और अब जो जानकारी है कि ये जलस्तर अभी फिलहाल बढ़ेगा अगले 24 घंटे तक, और हालांकि इसे थोड़ी सी राहत कही जाएगी क्योंकि आज जितनी बारिश की उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से आज अलर्ट किया गया था उस तरीके से आज दिल्ली में बारिश देखने को नहीं मिली है, और फिलहाल पिछले कुछ घंटों से बारिश थमी हुई है, तो लिहाजा ये थोड़ी सी दिल्ली वालों के लिए राहत हो सकती है कि ऐसे में अगर हो सकता है कि दिल्ली में अगर बारिश रुकी रहे तो हालात कुछ काबू में आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, खासकर अगर बात करें यमुना बेल्ट के जो खासकर इलाके हैं, चाहे वो पुराना उस्मानपुर हो या फिर जो यमुना बेल्ट के किनारे जो झुग्गियाँ बसी हुई थी, देखिए यहाँ पर भी कई झुग्गी वाले जिन्हें बोला गया, साफ तौर पर इन्हें कहा गया है कि वो यहाँ से जल्द निकल जाएँ। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार की जो टीमें हैं, जो फ्लड कंट्रोल की टीमें हैं, वो लगातार कदम